प्यारे दोस्तों, आज आप सबों का मुकेश मैथ ट्रिक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। इससे पहले आपका पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियो दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी जाकर देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टेड आएगा, बहुत इंटरेस्टेड ट्रिक भी दिए हैं। जो भी न्यू व्यूअर है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मुकेश मैथ ट्रिक का जो प्ले लिस्ट में चले जाएँ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप सारा वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट सारा तैयार कर दिया गया है। या नहीं तो आप जो है जहां पर मेरा वीडियो चल रहा है उसके जस्ट कोना में आपका ब्लू कलर का हच मुकेश मैथ ट्रिक लिखा होगा, उस पर थोड़ा टच करें। टच करने के बाद मेरा सारा फाइल फोल्डर खुल जाएगा, आप उस पर सारा देख सकते हैं, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे आप साइंस का वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग प्रश्न आरम्भ करते हैं, सरलीकरण का पार्ट 4 वीडियो। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 68 नंबर सरलीकरण का, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा, 1 1 बटा है 2 प्लस 1 बटा, फिर लिखा हुआ है 2 प्लस 1 बटा 1, फिर यहाँ पर लिखा 1 बटा, फिर यहाँ पर 2 माइनस 1 बटा 2 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इस जोर को क्या करेंगे, ऐसा जोर में क्या करते हैं, लगातार जो है ऊपर से जोर नीचे को रहता है, या नीचे से आपका ऊपर की ओर जोर दिया रहता है। आपका ऐसा जोर रहेगा यहाँ से लेकर लगातार नीचे जोर या घटा का चिन्ह रहता है, या यहाँ से लेकर ऊपर जोर या घटा का चिन्ह रहता है। तो इस टाइप का हम लोग आज प्रश्न सीखेंगे, आप लोग एकदम सेकेंडों में सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ट्रिक समझेंगे, एक लाइन में आप सबका बनेगा। सबसे पहले यहाँ समझिएगा, ऐसे दुधना 4 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3 3 बटा 2 हो गया। यह ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचा 2 ऊपर 3 नीचा, ऐसे कीजिए, 3 दुना 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 8 बटा 3 हो जाएगा। अब फिर 3 ऊपर, जितना बार ऊपर जाएगा उलटते चल जाएगा, 3 ऊपर 8 नीचा, 8 दुना 16 16 3 कितना हो गया 19 19 बटा 8, फिर ये नीचे है, फिर ऊपर जाएगा उलट जाएगा 8 ऊपर 19 नीचा। अगर 1 गुना 8 बटा 9 करेंगे तो 1 गुना 8 बटा 19 करेंगे तो आपका 8 बटा 19 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपने समझा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेगा, जैसे कि आपको ऐसा दे दे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बटा 2 है, अगर आप इसको हल करेंगे क्या होगा 1 प्लस 1 बटा 2, ऐसे कीजिए 2 1 2 डायरेक्ट इसमें इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 बटा आपका 2 इसका आंसर हो। अगर आपको ऐसा दे दे 1 माइनस 1 बटा 2 क्या होगा, तो आप घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाए क्या होगा 1 बटा 2 हो जाएगा, समझेंगे। जैसे कि अगर आपका इस टाइप का दे दे, इस तो 1 का अगर कुछ भी रहे इस तरह से दिया, 1 का 1 प्लस 2 बटा 5 दिया, इसको हल करेंगे किससे होगा, इसको जोड़े 5 2 7 7 बटा 5 हो जाएगा। अगर 1 माइनस 2 बटा 5 रहे तो इसमें घटा दिए, 5 में 2 घटाइए तो 3 बटा 5, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका इस टाइप का क्वेश्चन में आपका ये सब का यूज हम लोग करेंगे। डायरेक्ट आप जोड़िएगा, डायरेक्ट घटाइएगा, जरूरी सब क्वेश्चन आपको ध्यान एक बार पुनः आप समझ लीजिए। देखिए ध्यान से कि इसको दूध ना 4 4 में 1 घटाएं कितना हो गया 3 बटा 2, फिर ऊपर गया और जैसे ही ऊपर जाएगा उलटते चल जाएगा, इससे ध्यान रखिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको हर नीचे से हल करना है, उलट गया और 3 होगी 2 बटा 3 3 दुना 6 6 2 8 8 बटा 3, और 3 ऊपर 8 नीचा 8 ना 16 16 3 19 19 बटा 8 हो गया, फिर ये ऊपर चल जाएगा 8 बटा 19, तो 1 गुना 8 बटा 19 करेंगे तो 8 बटा 19 से होगा इसका आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलाइए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी होगा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। आइए हम लोग इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 69 देखेंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आज जो आपको बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ग्रुप डी या फिर NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, आपका कितना सारा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया। आप इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर लें, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं 69 नंबर का दिया हुआ है आपका 69, देखेंगे कि 1 1 है, जैसे दिया वैसे लिखे, 1 बटा लिखा हुआ, यहाँ पर 2 बटा 3 है, फिर यहाँ पर बटा है, फिर यहाँ 1 प्लस है दिया हुआ, आपका लिखा हुआ है 1 प्लस, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है देखेंगे ध्यान से आपका 1 प्लस 2 बटा 3, अब प्लस है यहाँ पर 8 है आप 8 बटा 9 है, बटा है फिर 1 माइनस 2 बटा 3 इस तरह से लिखा हुआ। चलिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे हल करेंगे, समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपको करना क्या है वही अभी बताएं कि अगर घटा रहे 1 का तो वही नीचे 3 में से 2 घटाइए 1 बटा 3, यह ऊपर जाएगा उलट जाएगा, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बटा 1, ये कट गया 3 3 9 कट 3 बार में कटा। अब देखिए अभी आपको बताया था अगर आप इसको हल करना चाहें, इसको ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 बटा 3 है, अभी बताया बेसिक में इतना जो ना 3 2 5 5 बटा 3 लिख सकते हैं। अब 5 बटा 3 प्लस 8 बटा 3,
पाँच बट्टा तीन प्लस आठ बट्टा तीन, बेस सेम है ऊपर लगा जुटेगा, आठ पाँच तेरह, आठ पाँच तेरह, तेरह बट्टा क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, आठ पाँच तेरह, तेरह बट्टा तीन हो गया। फिर यह ऊपर जाकर उलट जाएगा, जितना बार ऊपर उतना बार उलटेगा, तीन बट्टा तेरह, तीन तीन कट गया, क्या बचा यहाँ देखिए, वन प्लस दो बट्टा तेरह, वन प्लस दो बट्टा तेरह जोड़िए, तेरह दो पंद्रह, क्योंकि वो एक का जोड़िया घटा जोड़ है, तो तेरह दो पंद्रह, अब पंद्रह बट्टा तेरह, तेरह दो पंद्रह, पंद्रह बट्टा तेरह, फिर ऊपर जा उलट जाएगा, तेरह ऊपर पंद्रह नीचा बराबर तेरह बट्टा पंद्रह, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा, ऐसा टाइप का दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही बनाना, इसी तरह से आपको क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर जाना है और लास्ट में ऊपर जाएगा तो आंसर निश्चित पूरेगा। आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक समझ होंगे, क्वेश्चन में हम लोग कितना देखेंगे, सत्तर नंबर, सत्तर नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कर, आप ध्यान से देखिए, वह आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू प्लस इस तरह से लिखा हुआ है, टू प्लस वन बटा इस तरह से है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन कि टू प्लस वन बटा, यह पूर्णांक में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग जो है आपको जो है इसको पूर्णांक में चेंज कर दे, उसको तोड़ दीजिए, पाँच या पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस बटा कितना हो जाए पाँच हो जाएगा, फिर बटा देखिए क्वेश्चन सही से लिखे जैसे लिखा हुआ है, टू प्लस वन बटा यहाँ पर है, थ्री प्लस वन बटा, वन प्लस वन बटा फोर, इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले यह जो है ऊपर जाएगा उलट जाएगा, इसका जो है यह ऊपर जाएगा उलट जाएगा, पाँच बटा उन्नीस हो जाएगा, जब पाँच बटा उन्नीस हो गया तो उन्नीस गुना पाँच करेंगे, उन्नीस उन्नीस गुना दो कीजिए, उन्नीस गुना अड़तीस, अब प्लस पाँच, अड़तीस पाँच तैंतालीस, तैंतालीस बटा उन्नीस हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए चार एक पाँच, पाँच बटा चार हो गया, फिर ये ऊपर जाएगा उलट जाएगा, चार बटा पाँच हो जाएगा, देखिए पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह चार कितना, पाँच दिया पंद्रह प्लस चार उन्नीस, उन्नीस बटा पाँच, फिर ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, उल्टा देंगे तो पाँच बटा उन्नीस हो जाएगा। अब देखिए उन्नीस पर यहाँ टू प्लस उन पाँच बटा उन्नीस है, टू प्लस पाँच बटा उन्नीस, उन्नीस दुना अड़तीस, पाँच तैंतालीस, तैंतालीस बटा उन्नीस है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लका का हल अलग करेंगे और निचलका का हल अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका इतना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बटा में है, ऊपर लका आया तैंतालीस बटा नीचे उन्नीस, निचलका भी हल किया तैंतालीस बटा उन्नीस से आया, सेम आया, सेम आया तो दोनों तो कट ही नहीं जाएगा, तैंतालीस बटा उन्नीस, तैंतालीस बटा उन्नीस कट गया एक बार में, बराबर आपका आंसर इसका वन हो जाएगा, समझे इसका आंसर क्या होगा, वन, आप ऑप्शन मिला लें, इसका आंसर वन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, आपको इस क्वेश्चन इसी तरह बना, ऊपर लगा स्टेप अलग हल करना है, निचलका का अलग हल करना है, तब आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका इकहत्तर देखते हैं, इकहत्तर में क्या कर रहा है, देखिए इकहत्तर नंबर क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एट है, एट माइनस एट, फिर गुना है, इसको तोड़ दीजिए, भिन्न को जोड़ को, पाँच ना दस एक ग्यारह, ग्यारह बटा आपका पाँच हो जाएगा, ग्यारह बटा पाँच कर देंगे, यहाँ पर पूरा बटा है, माइनस है सात दो नौ, नौ बटा सात हो जाएगा, नौ बटा सात, फिर नीचे हल करेंगे, यहाँ पर क्या दिया टू माइनस वन, वन बटा सिक्स माइनस वन बटा सिक्स दिया हो, इसको हल करने के लिए कह रहा है, देखिए अगर आप इसको हल करेंगे एक बार मिला ले, क्वेश्चन सही है लिखा हुआ, चलिए ठीक है, एक इसको गुना अगर सतह सतहत्तर, सतहत्तर हो गया, नौ पचास पैंतालीस, इसको घटा देंगे तो अब देखिए तब क्या हो जाएगा, एट माइनस एट गुना, तो सतहत्तर घटा पैंतालीस कर देंगे तो आपका बत्तीस हो जाएगा, तो बत्तीस बटा कितना हो गया, सात पचास पैंतीस, नुना गुना कर देंगे नीचे क्या होगा पैंतीस होगा, इसको समझे में कैसे किया, अगर सतह सतहत्तर, नौ पचास पैंतालीस, सतहत्तर में पैंतालीस घटाएँ बत्तीस हो गया, फिर इसको पाँच गुना सात कर दिए, पाँच सत्तर पैंतीस हो गया, डायरेक्ट भिन्न का घटा कर दिए, अब देखिए इसको छछा के छत्तीस, छत्तीस में एक घटाइए पैंतीस, पैंतीस बटा छः उलट जाएगा, छः ऊपर पैंतीस नीचा, जब ये हो गया फिर इसको कटाइए पैंतीस दुना, पैंतीस दुना सत्तर, घटा है टू, घटा है सिक्स, छः बटा पैंतीस है, पैंतीस दुना सत्तर, सत्तर में से छः घटाइए चौंसठ, चौंसठ बटा पैंतीस होगा, तो आप इसको निचलका पूरा को हल किया, क्या आया चौंसठ बटा पैंतीस, अब इसको आप कटा दीजिए पैंतीस पैंतीस कट गया, बत्तीस से कटाइए बत्तीस दुना चौंसठ, ध्यान रखिए ऊपर लका कटेगा, निचलका निचलका कटेगा, बत्तीस दुना चौंसठ, दो से कटाइए दो चौक आठ, अब ये तो पूरा हल कर दी, एक हुआ चार गुना एक करेंगे चार, आठ में चार घटाइए आपका चार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन इसका चार आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकहत्तर का बी होगा, समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किए, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना कितना आया था, ऊपर आया था बत्तीस बटा पैंतीस, नीचे क्या आया था आपका चौंसठ बटा आपका पैंतीस आया, इसको हल किए थे देखिए यहाँ पर बत्तीस बटा पैंतीस आया था, बस इसको नीचे लिख लीजिए, लिखने बाद इसको हल कर लीजिए, आपका एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने समझा होगा, आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आए दोस्तों, अब क्वेश्चन में हम लोग 72 देखते हैं, 72 समझेंगे क्या कर रहा है कि 2/2 है लिखा हुआ, 2 प्लस आपका 2/2 फिर लिखा हुआ है, 3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 है लिखा हुआ, और यहाँ पर गुना भी क्या हुआ है, गुना कितना है 0.39 है लिखा हुआ। तो तब इसको कहता है हल करने के लिए, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 3 3 9 हल की 3 3 9 2 11, 11/3 कितना हो गया 3। अब इसको हल करें, ये ऊपर चल रहा है 3 ऊपर 11 नीचे, अगर तिया 33 प्लस 3 6 33 6 कितना हो गया 39, 39/3 कितना हो गया आपका 39/11 हो गया। फिर ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, 39/3 इतना हो गया, तो अब यह जाएगा ऊपर तो उलट जाएगा, तो 11/3 आपका 39 हो जाएगा। 11/3 जब 39 हुआ, अब इसको आप लोग हल करना चाहेंगे तो देखिए यह कितना हो जाएगा, तो यह अगर ये कटाते हैं तो कट तो जाता है, तो 0.01 बार में कटेगा, जब 1 बार में कटेगा आप पॉइंट को उड़ा कर नीचे 100 दे सकते हैं, 100 देने के बाद ये दोनों को कटा दीजिए, कटा दिए, कटाने के बाद आपका यह देखिए यह भी कट रहा है 2 से कटा, कितना बार में कटा 50 बार में जब कटा। अब अगर हल करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 50 × 2 कीजिए, 50 × 2 करेंगे कितना होगा 100 प्लस यहाँ पर 11 है, 111/3 नीचे कितना है 50 है, 50 लिए 111/50 हुआ, ये फिर ऊपर जा उलट जाएगा 50/ कितना हो जाएगा 111। अब 50 × 2 कर दीजिए, 50 × ये तो कटने रहा नीचे, इससे नहीं कट रहा है, तो 50 × 2 कर देंगे 100 × 111 इसका आंसर हो जाएगा, 100/111 ऑप्शन मिला लें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन मिला लें, क्वेश्चन नंबर 72 का 1/3 2 6 नहीं नन होगा, इनमें से कोई नहीं, 100/111 होगा, नन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73 में देखिए क्या कह रहा है, यदि लिखा हुआ है, यदि आपका 2 बराबर आपका लिखा हुआ x+1/1+1/ फिर लिखा हुआ है 3+1/4 हो तो x का मान क्या होगा, हो तो तब x का मान पूछ रहा आपका क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। ऐसे कीजिए 4 3 12 1 13 आपका 4 3 12 1 13 हाँ 3 3+1/4 है ठीक है, 4 3 12 1 कितना होगा 13 13/4 हो गया। फिर यह ऊपर जाएगा तो यह क्या होगा उलट जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपको 4 ऊपर 13 नीचा हो गया, 4 ऊपर 13 नीचा। अब देखिए इसको फिर कर देंगे हर, 13 × 1 13 13 4 कितना हो गया 17 17/ कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। फिर ऊपर जाकर उलट जाएगा तो 13/ आपका 17 हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना 73 13/17 यहाँ तक समझेंगे। इसका फिर देखिए आगे क्या करना है, अगला स्टेप आप समझ लीजिए, 13/17 हुआ, फिर इसको आगे ले जब चलेंगे हम लोग इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ 2 बराबर x+13/17 हुआ, x·2 − 13/17 34 हो गया, 34 में से आप 13 घटा दीजिए कितना हो गया 1 हो गया, अब फिर इसको घटा देंगे 2 हो गया बटा कितना 17। अब इसको करें 1.4/17 आंसर हो जाएगा, 1.4/17 ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हल के, एक बार पुनः समझ लीजिए, देखिए ध्यान से इसको 4 3 12 1 13/4 उलट जाएगा, 4 ऊपर 13 नीचा, 13/4 कितना हो जाएगा 17/13, फिर ऊपर जाए उलट जाएगा 13/17। अब 2+x+13/17 इधर जा घट जाएगा, 17 × 34 में 13 घटाई कितना हो गया आपका 21 21/17 हो गया, फिर पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं, इसको 1.4/17 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे 2+ ऐसा दोस्तों जो 74 में रही है गांव रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि आपका 2+1/x+1/y+1/z −37/13 दिया हुआ है, तो तब कह रहा है एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए, एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए कह रहा है, जिससे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर आपका क्या दिया हुआ है, x = a है, y = 2 है, z = कितना है 5 है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है x = 1, y = कितना है y = 5 और z = कितना दिया 2 है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएं, एक तरीका है कि आप ऑप्शन से इसको बना लें, ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो आराम से बन जाएगा, जैसे कि आपको x का मान y का मान z का मान रख दीजिए, फिर नीचे से हल करते करते आपको 37/13 पुर रहा है, तो वही उसका आंसर होगा, आप बारी बारी से जांचिएगा जिस ऑप्शन में पुर जाए, जैसे कि आपका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं इसको 2+1/x का मान आप जांच लीजिए, ऑप्शन में हम बी जांच देते हैं, इसका बी नंबर जांच देते हैं, x का मान यहाँ पर 1 धरेंगे प्लस
वन बटा वाई का मान आपको 5 धरेंगे, प्लस वन बटा जेड का मान कितना दिया हुआ 2 है, जेड का मान 2 दिया हुआ, ठीक है। अगर इसको हल कर दे, देखिए 5 10 10 1 11 11 बटा 2 हो गया, ये ऊपर जाएगा उलट जाएगा 2 बटा 11, 11 11 गुना 11 11 2 13 13 बटा 11 होगा उलट जाएगा आपका, 11 ऊपर 13 नीचा चल जाएगा, 13 दुना 26 प्लस 11 तो 37 बटा कितना हो गया 13, तो आपका देखिए ये प्रूव्ड हो गया। जब ये प्रूव्ड हो जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नीचे से हल करते करते ऑप्शन से मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हम लोग जो है एक दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन समझेंगे इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपका यह दिया हुआ है कि ये दिया हुआ आपको कि 37 37 बटे 13 दिया हुआ है, आप इसको भागा दीजिए, 13 दुना कितना हो गया 26, 13 दुना 26 हो गया, 2 पूर्णांक 11 बटे 13 हो गया, 2 पूर्णांक 11 बटे 13 देखिए यहाँ पर पूरा हुआ है 11 बटे 13। फिर आप इसको उल्टा दीजिए तो आप लिखिएगा 13 बटे 11, इसको पूर्णांक में लाइएगा तो 1 पूर्णांक 2 बटे 11 हो जाएगा। फिर आप इसको उल्टा दीजिए, उल्टाने के बाद 11 बटे 2 हो जाएगा तो 5 पूर्णांक, तो आपका 5 पूर्णांक 1 बटे 2 हो जाएगा। अब समझिए कि यह जो निकला, ये जो 2 जो है ये 2 था, और ये 1 जो निकला 1 यही है, 1 यही है, 1 ए है 1 ई, यह हुआ x का मान, ये 1 हो गया, तो x का मान क्या हो गया 1 हो गया। और जब फिर एक बार उल्टाएं, यह जो निकला 5 जो निकला यह क्या था, यहाँ पर जो था y था, ये y का मान हुआ, ये 2 जो है ये z का मान है, समझोगे। तो x बराबर, अब देखिए आपका निकल गया x बराबर, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका 2 है तो 2 है, तो यहाँ पर z है, यहाँ पर y है। अब देखिए इसको समझिए, x बराबर आपका हो गया x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 2, इसका आंसर हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या नहीं तो उल्टा उल्टा कर बना सकते हैं। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 देखिए आपका दिया हुआ है कि 2x, यदि 2x बटा लिखा हुआ है, 1 + 1 + x - x लिखा हुआ है, बराबर 1 है हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसका x का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, हल कीजिएगा इसे। एक बार हम इसको स्टेप से समझा दें, 1 + x - 1 - x है, अगर आप इसको हल कीजिएगा तो 1 - x इसका एलसीएम होगा, तो 1 - x + x इतना कट गया, बराबर क्या हो गया 1 - x ये हुआ। अगर आप इसको पूरा को हल करना चाहते हैं तो अभी आपने देखा कि इसका क्या निकला था, 1 - x हो गया, डायरेक्ट ऐसे ऐसे की जाएगा, एक्स कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर, सिर्फ 1 1 - x ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 - 1 - x ऊपर 1 नीचा। अगर आप हल कीजिएगा तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर देखिए कि अब क्या बचा 2x, ऊपर लगा 2x बट 1 + 1 × 1 करेंगे 1n होगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 × 1 1 + 1 कितना 2 माइनस आपका x बराबर 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 2 - x होगा, इसको इस पार ला के जोड़ देंगे, 2x + x करेंगे 3x = 2, x = 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन नंबर बी होगा 2/3, समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पर अब रहने देखते हैं, आपका क्वेश्चन इस टाइप का, आपका टाइप 4 में इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन लिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को भी दबा दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें, इंटरेस्टेड वीडियो सब, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ चुके, इसलिए आप बेल घंटी को भी दबा दें। तब तक के लिए प्यार भरा सबको धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।